ये आज की वीडियो में टिस्चेंको रिएक्शन के बारे में सीखेंगे। टिस्चेंको रिएक्शन दो रिएक्शंस की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक में जैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं सेम कंपाउंड की, जिसे हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और उसके बाद इसी रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बाद हम देखेंगे एस्टेरिफिकेशन कैसे होगा। तो देखिए किस तरह से ये हम रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसमें आप लीजिए, ये एस्टेल्डिहाइड है। एस्टेल्डिहाइड की हम रिएक्शन करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, या इसमें टिस्चेंको रिएक्शन में हमने ये वाला कंपाउंड प्रेफरेबली यूज़ करना है। ये कैटलिस्ट प्रेफरेबली इसलिए यूज़ करना है क्योंकि जो टिस्चेंको की फंडामेंटल रिएक्शन है उसमें एल्युमिनियम इथोक्साइड ही यूज़ हुआ है। तो इसमें होगा क्या, जब हम एस्टेल्डिहाइड में एल्युमिनियम इथोक्साइड ऐड करेंगे तो इसके 2 मोल्स आपने लेने हैं। 2 मोल्स में आप देखिए किस तरह से ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। इसके हम 2 मोल्स लेने लगे हैं। तो आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में आप ये दोनों साइमल्टेनियसली रिएक्शन देखेंगे किस तरह से। अगर मैं इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन ऐड करवाऊं तो ये एल्डिहाइड की रिडक्शन हमें दे रहा है, तो ये बन गया एल्कोहल। तो किसके कारण बना ये, रिडक्शन के कारण ये बना है, ड्यू टू रिडक्शन। सिमिलरली दूसरी रिएक्शन इसमें होगी, जो इसका दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन ऐड होगी। ऑक्सीजन की एडिशन को हम पढ़ते आए हैं यूनियर क्लासेस में भी कि उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये किस तरह से बना, ये बना ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन से बना। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दोनों के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब ये दोनों मिलके, आपको ये पता भी है कि जब एल्कोहल और एसिड एक दूसरे से रिएक्ट करें तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एस्टेरिफिकेशन। और एस्टेरिफिकेशन का जो मेन पार्ट है याद रखने वाला, वो ये कि जो एल्कोहल है उसमें ओ और एच की बॉन्ड ब्रेक करेगी हमेशा, ओ एच बॉन्ड, और एसिड में सी ओ बॉन्ड ब्रेक करेगी। तो ये आपने ज़्यादा ये नज़र में रखना है कि हमेशा ये वाली ही बॉन्ड ब्रेक करे। तो देखिए इनमें वाटर रिलीज कर जाएगा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई। तो हमारे पास जो बन के आएगा प्रोडक्ट वो आएगा एक एस्टर। तो ये हमारे पास एक एस्टर बन गया। तो हम कह सकते हैं जो ये वाली टिस्चेंको रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, और उसके बाद एस्टेरिफिकेशन का। तो टिस्चेंको रिएक्शन करने से आपको 2 तरह की रिएक्शन पे ग्रिप आ जाएगी। तो आपने लास्ट स्टेप बहुत ध्यान से करना है कि ये वाली जो क्लीवेज है ये हमेशा ओ और एच के बीच से जाएगी और ये सी ओ के बीच से जाएगी। तो ये रही हमारी टिस्चेंको रिएक्शन।